नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम के लास्ट डेट जा चुकी है फॉर्म फिल करने की। टोटल फॉर्म यहां पे रिसीव हुए 1,37,19,630। जी हाँ दोस्तों, फाइनल डेटा है हमारे पास में ऑफिशियल। 1.3 करोड़ यहां पे टोटल फॉर्म रिसीव हुए पर पोस्ट कंपटीशन दोस्तों यहां पे 389 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन हो गया है। अभी ये देखना होगा डिटेल वाइज, जोन वाइज यहाँ पर बात करेंगे किस जोन में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, किस जोन में सबसे कम कॉम्पिटिशन है। और इसी दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा कट ऑफ सीधी सी बात है हाई जाएगी, जिस जोन सबसे कम कट ऑफ है उस जोन में कम कट ऑफ जाएगी। तो कंफर्म है दोस्तों, यहां पे बताता हूं मैं आपको डिटेल वाइज जोन वाइज क्या रहेगा कट ऑफ के। सॉरी, यहां पे कट ऑफ तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि किस जोन में आपको सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कौन सा हाई रिस्क वाला है, कौन सा लो रिस्क वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते वीडियो को। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, ये सारी की सारी ऑथेंटिक न्यूज है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं भोपाल जोन की। भोपाल जोन में 5,91,618 टोटल फॉर्म हुए। वैकेंसी की बात करूं तो 997 वैकेंसीज है। तो एक पोस्ट के लिए दोस्तों यहां पर 593 छात्रों का कॉम्पिटिशन है। कहीं ना कहीं एक तरीके से सबसे डेंजर जोन बना हुआ है भोपाल जोन। अहमदाबाद जोन की बात करें दोस्तों, अहमदाबाद जोन में 5,54,674 यहाँ पे टोटल फॉर्म रिसीव हुए। 1,024 वैकेंसीज है। तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट के लिए 542 लोगों का यहाँ पे कंपटीशन है इस बार। चंडीगढ़ की दोस्तों बात करते हैं, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ आता है आपका। 12,73,542 टोटल फॉर्म रिसीव हुए। 2,483 वैकेंसीज है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 513 लोगों का कॉम्पिटिशन रहेगा इस बार। चौथे नंबर पर दोस्तों आता है आपका अजमेर जोन। अजमेर जोन में 8,91,139 यहाँ पे टोटल फॉर्म रिसीव हुए 1,773 वैकेंसीज के ऊपर। मतलब कि यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 506 लोगों का कंपटीशन रहेगा इस बार। पांचवें नंबर पे दोस्तों आपका आता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में दोस्तों ज़्यादा फॉर्म तो रिसीव नहीं हुए, लेकिन वैकेंसीज के हिसाब से एक तरीके से ज़्यादा ही मान सकते हैं उसको। 2,35,000 के आसपास टोटल फॉर्म रिसीव हुए, 498 वैकेंसीज है। तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट के लिए 472 लोगों का कंपटीशन रहेगा इस बार। इलाहाबाद जोन दोस्तों छठे नंबर पर आता है, 4,099 वैकेंसी यहाँ पर। तो 19,16,000 के आसपास यहाँ पे टोटल फॉर्म रिसीव हुए, 467, मतलब कि ये मान के चलिए 450 के आसपास कंपटीशन है एक पोस्ट के। दोस्तों अगला जोन आता है आपका सातवें नंबर पे चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं अभी तक और 2,694 पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट के लिए 380 लोगों का यहाँ पे कॉम्पिटिशन बना हुआ है। आठवें नंबर पर आता है दोस्तों सिकंदराबाद। सिकंदराबाद 12,25,000 के आसपास फॉर्म रिसीव हुए, 3,234 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट के लिए 379, एक तरीके से चेन्नई सिकंदराबाद में बराबर सा कंपटीशन है। पटना भी इंक्लूड कर लीजिए और बेंगलोर भी इंक्लूड कर लीजिए। पटना में दोस्तों इस बार एक पोस्ट के लिए 380 के आसपास यहाँ पे कंपटीशन है पटना में। वहीं बेंगलोर में भी यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 380 के आसपास कंपटीशन है। तो ज़्यादा मतलब ये मान के चलिए कंपटीशन जो है एवरेज सा बना हुआ है। 10 नंबर 10 की बात करूँ या 11-12 की बात करूँ तो जो नीचे वाले जो जोन दिखाऊंगा दोस्तों उसमें कॉम्पिटिशन देखना और ऊपर वालों में देखना कॉम्पिटिशन, आपको दिन रात का फर्क दिखाई देगा। आप खुद सोचोगे कि यहाँ से अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं पोस्ट आपकी जो जॉब है वो 100% लगती कहीं ना कहीं, ये मान के चलिए आप। नेक्स्ट जोन की बात करता हूँ दोस्तों रांची जोन। 5,12,634 यहाँ पे फॉर्म रिसीव हुए, एक पोस्ट के लिए 370 लोगों का कंपटीशन बना हुआ है। मुंबई जोन में 345 लोगों का कंपटीशन है। जो अपन को लग रहा था कि मुंबई में ज़्यादा फॉर्म जाएंगे, नहीं गए दोस्तों, यहाँ पे 12 लाख ही यहाँ पे रिसीव हुए। बिलासपुर में 4,16,402 फॉर्म रिसीव हुए 1,207 पोस्टों के लिए, एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 345 लोगों का कंपटीशन है। त्रिवेंद्रम की बात करें दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 343 लोगों का कंपटीशन। तो दोस्तों अगला जोन आता है अपना यहाँ पे बिलासपुर जोन। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर में ये देखिए आप 4,16,402 यहाँ पे टोटल फॉर्म रिसीव हुए, 345 लोगों का कंपटीशन बना हुआ है एक पोस्ट के लिए। वहीं अगला त्रिवेंद्रम दोस्तों यहाँ पे रिपीट कर दिया मैंने वापस से। अगला जोन आता है अपना गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर में एक के लिए 321 जोन मतलब 321 लोगों का कॉम्पिटिशन है। अभी ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। कोलकाता की बात करूँ एक पोस्ट के लिए 300 लोगों का कॉम्पिटिशन, गुवाहाटी की बात करूँ एक पोस्ट के लिए 296, मालदा में यहाँ पे 256 आ गया है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद में मुजफ्फरनगर यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 260 के करीब। जम्मू की बात करें दोस्तों, जम्मू में देखिए एक पोस्ट के लिए 227, कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। सबसे लास्ट में आता है आपका दोस्तों सबसे सेफेस्ट कहूँ अगर मैं, जम्मू और सिलीगुड़ी मान के चलिए सबसे सेफ जोन है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये मान के चलिए आपको, आप थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, कन्फर्म है। 191 में बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है सिलीगुड़ी में। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी डिटेल वाइज लिस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को तथा साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। इस एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।